YouTube के लर्निंग लोकल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 अप्रैल है। आज करंट अफेयर्स में कुल 10 टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स, प्रस्तुतिकरण के स्वरूप में थोड़ा बदलाव करते हुए परिचय की जगह पर प्रश्न रखे गए हैं। आज हम देखेंगे मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी किस नेता से संबंधित है। दूसरा देखें किस देश में लगातार 100 दिन तक शोक मनाया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। मलेशिया ओपन किसने जीता है। देश का सबसे अच्छा महाविद्यालय कौन है। धनुष तोपों की प्रभावशील मारक क्षमता कितनी है। यमुना के बाढ़ के मैदान के अपर्दन की जांच के लिए किसने समिति बनाई है। किस देश ने अमेरिका को आतंकवाद को बढ़ाने वाला देश का दर्जा दे दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच किसे बनाया गया है। तथा विश्व का 24/7 प्रदूषण दंड लगाने वाला प्रथम शहर कौन है। देखेंगे पूरे 10 टॉपिक्स। देखते हैं प्रश्न संख्या 1, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी किस नेता से संबंधित है। उत्तर, इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं मालदीव के, और ये मिस्टर सोली हैं, इनसे ही संबंधित है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। कॉन्टेक्स्ट यह है कि वहाँ पे चुनाव हुआ था और चुनाव में जब मतगणना हुई तो MDP मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3/4 मेजोरिटी लाई है, 3/4 बहुमत लाया है, पूरे 66 सीट्स जीता है 87 सीट्स में से इस तरह। और साथ में जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सोली, उन्होंने कहा है कि मिस्टर सोली अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ ही रहेंगे, बिकॉज जो अभी वहां पे गवर्नमेंट है मालदीव में कोलिशन की गवर्नमेंट है, जिसके राष्ट्रपति मिस्टर सोली हैं। बहरहाल उन्होंने, उनकी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3/4 बहुमत लाया हुआ है, फिर भी उन्होंने कहा है कि वे कोलिशन पार्टनर के साथ ही कार्य करेंगे। इसमें ध्यान देने की बात है कि मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम अब्दुल्ला यमीन था, जिसे देखा था कोर्ट ने रिहा कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए, इनको केवल 8 सीट मिला है और इनको हमारा देश चाइना का समर्थक मानता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2, किस देश में लगातार 100 दिन तक शोक मनाया जा रहा है। रवांडा में। देखिए 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में 2 एथनिक ग्रुप्स थे, एक का नाम है अभी भी है तुत्सी और दूसरा का नाम है हुतूज। तुत्सी ग्रुप का जनसंहार शुरू कर दिया गया हुतूज के द्वारा। तुत्सी ग्रुप का जनसंहार शुरू कर दिया हुतूज ग्रुप ने, शुरू किया 7 अप्रैल 1994 को, और पूरे 100 दिन तक जनसंहार की जेनोसाइड किया, और उसमें 8,00,000 से भी अधिक तुत्सी लोगों को मार दिया हुतूज ने। काफी ही भयंकर, काफी ही निंदनीय घटना है। तो अभी रवांडा के जो प्रेसिडेंट है, नाम है पॉल कगामे ने किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली, वहीं पे है किगाली जेनोसाइड मेमोरियल, वहां पे उनके यादगारी में दीप जलाया है, सप्ताह भर के लिए एक्टिविटीज को स्टार्ट किया है वहां के प्रेसिडेंट पॉल कगामे ने। किंतु 100 दिन तक ये चला था और अभी 1994 से लेकर इस बार यह 25वीं वर्षगांठ है उस घटना का। तो इस तरह से इस साल 100 दिन का शोक भी मनाया जा रहा है रवांडा में, 7 अप्रैल 2019 से लेकर 4 जुलाई 2019 तक। तो याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। डेविड मालपास, ये है विश्व बैंक के अध्यक्ष। यह 13 नंबर के अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के, 5 साल तक कार्य करेंगे और इनका कार्यकाल शुरू होगा आज से, अर्थात 9 अप्रैल से। US प्रेसिडेंट ने पहले इनको नॉमिनेट किया था, डेविड मालपास को, कि ये विश्व बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि 1 फरवरी 2019 से जो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट थे, नाम था जिम योंग किम, ये पदच्युत हो रहे थे, पद से हट रहे थे, इस कारण से उनके जगह पर डेविड मालपास को विश्व बैंक के प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ US ने नॉमिनेट किया था डेविड मालपास को। अब उसके बाद 5 अप्रैल 2019 को
एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर्स ने, जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं सब ने सर्वसहमति से, यूनैनिमसली सर्वसहमति से मालपास की नियुक्ति को मान लिया और इस तरह से 9 अप्रैल अर्थात आज से ये प्रेसिडेंट बन गए हैं विश्व बैंक के। विश्व बैंक में थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट स्लाइड पहले। विश्व बैंक में देखिए प्रथम दो, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और इन पांचों को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो मिस्टर डेविड आर मालपास, या प्रश्न हो जाए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन है, तो भी उत्तर सेम होगा, मिस्टर डेविड आर मालपास ही होंगे प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। ऐसा है IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तथा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों के हेड हैं मिस्टर मालपास, किंतु लास्ट तीन IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSIT, इन तीनों के भी हेड हैं एक्स ऑफिशियो हेड है, इनके डायरेक्ट हेड हैं, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्ट हेड हैं, किंतु जो लास्ट थ्री है इनके एक्स ऑफिशियो हेड हैं। इस तरह से कहें तो पांचों के ही हेड हैं, तो आंसर दोनों तरह सही हुआ। प्रथम दो को IBRD और IDA दोनों को मिलाकर बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, लेकिन इन पांचों को मिलाकर बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक के भी हेड हो गए डेविड आर मालपास, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हेड हो गए डेविड आर मालपास। IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSIT ये सब क्या है, इसका बाद में कभी हम चर्चा करेंगे, अगर अभी चर्चा करते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। आते हैं फिर से, तो एक हमने देख लिया IBRD और IDA के चेयरमैन होंगे, IDA के हेड होंगे, साथ ही IFC, MIGA और ICSIT के एक्स ऑफिशियो हेड होंगे, चेयर होंगे मिस्टर डेविड आर मालपास। तो इस तरह से यहाँ लिखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये पूरे पांच आते हैं जो दिखा दिया आपको। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का कार्य होता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना दूसरे देशों को, कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। आप जब बजट देखते हैं तो बजट होता है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बुरा माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा माना जाता है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इस कारण से केवल कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मोटो इसका है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यह इसका मोटो है वर्ल्ड बैंक का। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में और इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC अमेरिका में। आगे देखते हैं मलेशिया ओपन किसने जीता है, लिन डान है, चाइना के हैं, इन्होंने चाइना के ही चेन लोंग को हरा दिया 7 अप्रैल को और जीत लिया मलेशिया ओपन, जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप है और कुआलालंपुर में हुआ था, जो राजधानी है मलेशिया का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार सबसे अच्छा महाविद्यालय कौन है, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, उत्तर है मिरांडा हाउस, ये दिल्ली में है। अभी कल 8 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने जारी किया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, अनाउंस किया राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को अनाउंस किया, जो कि चौथा नंबर का था। सबसे पहले 2016 में NIRF शुरू हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब उस वक्त से ही जो इंस्टीट्यूट से उनकी रैंकिंग शुरू हो गई थी, और इस तरह से 2019 का यह फोर्थ नंबर का एडिशन हो गया। तो फोर्थ नंबर का एडिशन को, थर्ड नंबर को तो HRD मिनिस्ट्री ने किया था जो लास्ट ईयर हुआ था, फोर्थ नंबर को प्रेसिडेंट ने किया है अनाउंस, याद रखना है हमें, प्रेसिडेंट ने ही किया है अनाउंस इसको। बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है IIT मद्रास को, याद रखना है पूरा अच्छा से, इसको रोक कर देख लीजिएगा। बेस्ट कॉलेज का मिला है मिरांडा हाउस को, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज का मिला है IIM अहमदाबाद को,
बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी का मिला है जामिया हमदर्द, बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिला है एम्स, पिछले बार भी एम्स था, बेस्ट लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नाम ऐसा ही है, आप पूरा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे ये। धनुष तोपों की प्रभावशील मार्ग क्षमता कितनी है? 38 किलोमीटर है। 8 तारीख को भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने अपने में शामिल किया है 6 धनुष तोपों को, आर्टिलरी गन्स मतलब तोप होता है, 6 धनुष तोपों को शामिल कर लिया है, इसे बनाया है ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने, जिसे ऑर्डर मिला है पूरे 144 गन्स बनाने का, तोप्स बनाने का, तो 6 दे दिया है ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने और 6 को आर्मी ने अपने में शामिल कर लिया है कल अर्थात 8 अप्रैल 2019 को। जो धनुष तोप्स हैं ये बोफोर्स गन्स जो हमने स्वीडन से लिए थे उनके ही मॉडिफाइड वर्सन है, बोफोर्स गन का ही परिष्कृत रूप है धनुष तोप। 38 किलोमीटर तक मार करेगा, इफेक्टिव मार करेगा मतलब प्रभावशाली मार करेगा, मैक्सिमम रेंज है और साथ में इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक सूट है जिसकी सहायता से रियल टाइम पे उसी वक्त और साथ में कोई घूमती हुई अगर टारगेट है तो उस पर प्रहार किया जा सकता है धनुष तोप की सहायता से। और यह लॉन्ग रेंज की तोप सबसे पहले भारत में बनने वाली यह लॉन्ग रेंज की तोप है धनुष तोप, धनुष आर्टिलरी गन्स। यमुना के बाढ़ के मैदान के अपरदन की जांच के लिए किसने समिति बनाई है? हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह नई दिल्ली में है, इसके बारे में हमने देखा है बहुत बार, आज नहीं देखेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट है उसे देखेंगे। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मामला आया हुआ है कि वहां पे हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट होता है जिस कारण से वहां जो फ्लड ड्रेन है उसका अपरदन हो रहा है, फ्लड ड्रेन का अपरदन हो रहा है, जहां पे बाढ़ आती है उस मैदान में जहां तक पानी फैल जाता है बरसात के दिनों में उसका अपरदन हो रहा है, कम होता जा रहा है वो क्षेत्र, और कारण है हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है। इसको ध्यान रखते हुए एनजीटी के चेयरमैन, नाम हमें पता है मिस्टर यहाँ पर जस्टिस AK गोयल, इन्होंने एक बेंच की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एक समिति बनाई जा रही है, जो समिति 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, ईमेल के द्वारा भेजेगी रिपोर्ट हमें, ताकि 24 मई को जो दूसरी सुनवाई होनी है इसी मामले पे उससे पहले ही ईमेल से पता चल जाए कि हमें क्या करना है, ताकि मानसून से पहले इस समस्या का निदान ढूंढ लिया जाए। इसके समिति बनाई है और समिति को हेड बना, समिति का हेड बना दिया है, प्रिंसिपल मुख्य सचिव को बनाया है जो कि हरियाणा के सिंचाई और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हैं, उनको बनाया है, इसका नोडल एजेंसी इस डिपार्टमेंट को साथ ही कोऑर्डिनेट करना है और कंप्लायंस भी करना है हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को ही। इसके साथ साथ हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी को भी मेंबर बनाया गया है, साथ में ही मेंबर बनाया गया है माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को। इस तरह से हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी को और माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दोनों को बनाया गया है मेंबर्स इस समिति में। एक तरह से कहें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के हुए, अर्थात उनके अंडर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव और माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, ये तीनों मिलकर समिति, इन तीनों समिति बनी है और ये समिति 1 महीने के अंदर ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट दे देगी 24 मई से पहले। किस देश ने अमेरिका को आतंकवाद को बढ़ाने वाले देश का दर्जा दे दिया है? ईरान ने दे दिया है। और क्या क्या है? 8 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ईरान की जो सेना है, नाम है रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान की सेना नाम है रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसको शॉर्ट में बोलेंगे आईआरजीसी को बोल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, घोषणा कर दी कि यह टेररिस्ट ग्रुप है, टेरर ग्रुप घोषणा कर दिया, मतलब ईरान की जो सेना है उसे बोल देंगे टेररिस्ट है सारे। अब ईरान को भी रिटेलिएट करना था, ईरान ने कहा कि अमेरिका टेरर को फैलाता है,
आतंकवाद को फैलाने वाला देश कोई है तो अमेरिका है, इसकी घोषणा कर दी उन्होंने ईरान ने कि आतंकवाद को फैलाने वाला देश अमेरिका है। साथ में जो भी उस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक हैं सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इस तरह से ईरान ने भी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यह घोषणा कर दी गई कि अमेरिका टेरर को फैलाने वाला देश है और साथ में ही उस क्षेत्र में जहां कहीं भी अमेरिकी सैनिक हैं सारे के सारे टेररिस्ट हैं। तो यही वाकया है, अमेरिका ने ईरान की सेना को बोल दिया है कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और साथ में ईरान ने बोल दिया अमेरिका को कि आप आतंकवाद फैलाने वाले देश हो, साथ में ही उस क्षेत्र में ईरान के आसपास जो भी अमेरिकी सैनिक हैं सारे के सारे टेररिस्ट हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच किसे बनाया गया है? ग्राहम रीड को बनाया गया है। ग्राहम रीड पहले ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम के कोच थे जिन्हें नियुक्त कर दिया गया है कल अर्थात 8 अप्रैल को भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में। 10 नंबर है, विश्व का 24/7 प्रदूषण दंड लगाने वाला प्रथम शहर कौन है? लंदन है। 24 आवर्स एंड ऑल 7 डेज ऑफ वीक 24/7 यही मतलब होता है। लंदन में 8 तारीख को घोषणा की गई, लंदन में बना है ULEZ अल्ट्रा लो एमिशन जोन, जोन मतलब क्षेत्र मतलब एरिया, देखिए यहाँ पे एक पूरा एरिया है इधर भी इसको कल दिए लिख दिया बोर्ड लगा दिया है ULEZ मतलब अल्ट्रा लो एमिशन जोन ऑल द टाइम 24 घंटा। उस क्षेत्र में अगर कोई भी गाड़ी की एंट्री होती है जो कि एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, तो उस गाड़ी का चालान तो कटता है, हम जानते हैं भारत में भी होता है, लेकिन चालान अब चार्ज 24 आवर्स कटेगा, हमेशा कटेगा। इसका उद्देश्य क्या है? एयर पोल्यूशन को कम करना है, साथ में एयर पोल्यूशन से जो स्वास्थ्य पे हानि होती है उसे भी रोकना है, प्रोटेक्ट करना है। ये उद्देश्य है ULEZ घोषित करने का, लंदन को ही कर दिया ULEZ मतलब अल्ट्रा लो एमिशन जोन। इधर कोई भी व्हीकल्स ऐसी व्हीकल्स नहीं आएगी जो एमिशन स्टैंडर्ड को मीट ना करती है, अगर आ गई तो उन पे चार्ज लगेगा, दंड लगेगा। और इस तरह से बताया हुआ है कि जो लंदन का पोल्यूशन उसमें व्हीकल्स से ही 50% पोल्यूशन होता है, इस कारण से ऐसा किया गया है। 10 टॉपिक्स खत्म होते हैं, अभी जो देखा उसका समिंग कर लेते हैं। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी किस नेता से संबंधित है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से, जो अभी मालदीव के राष्ट्रपति हैं। किस देश में लगातार 100 दिन तक शोक मनाया जा रहा है? रवांडा में। विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं कौन? बने हैं डेविड मॉलपर्स। मलेशिया ओपन किसने जीता है? लिन डान ने, चाइना के हैं। देश का सबसे अच्छा महाविद्यालय कौन है? मिरांडा हाउस नई दिल्ली में है। धनुष तोपों की प्रभावशील मारक क्षमता कितनी है? 38 किलोमीटर। यमुना के बाहर के मैदान के अपवर्धन की जांच के लिए किसने समिति बनाई है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने। किस देश ने अमेरिका को आतंकवाद को बढ़ाने वाला देश का दर्जा दिया है? ईरान ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच किसे बनाया गया है? ग्राहम रीड को। और विश्व का 24/7 प्रदूषण दंड लगाने वाला शहर प्रथम शहर कौन है? लंदन। तो आज के कंटेंट खत्म होते हैं, थैंक यू वेरी मच।